हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपके नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो हमारी वो है ऋषिकेश की, जहां मैं आपको ऋषिकेश के बारे में बताऊंगा पूरी जानकारी, और इसी के साथ आपको दिखाऊंगा ऋषिकेश के खूबसूरत प्यारे प्यारे नज़ारे। एक बार फिर से हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपके बीच फिर से एक बार मैं जुड़ चुका हूँ ऋषिकेश से, और ऋषिकेश की ताज़ा खबर आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जानकी सेतु है हमारा, और पूरे जो है यहाँ पे लाइटिंग इस तरह से लगी हुई है, चारों तरफ का ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सामने देख सकते हैं पूरा जो हरकी पैड़ी का ये ऋषिकेश का ये नज़ारा है यहाँ पे, और सामने आप देख सकते हैं माँ गंगा का ये पावन जल इस तरह से बहता हुआ यहाँ सामने आ रहा है, और सामने आप जानकी सेतु भी यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है यहाँ पे अभी पूरी जो है लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है, तो रात का जो नज़ारा रहेगा वो काफ़ी जो है प्यारा रहेगा यहाँ पर, सुंदर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऋषिकेश में। और आज का जो मौसम है यहाँ, ये भी काफ़ी जो है सुहाना यहाँ पर बना हुआ है, तो आगे पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा ऋषिकेश के बारे में आज। यहाँ पे भी आप सामने देख सकते हैं ये है जानकी सेतु, यहाँ पे स्टार्ट होता हमारा जानकी सेतु, ये पूरा जो है जानकी सेतु है यहाँ पे, पूरा वहाँ तक आपको लेके जाऊँगा मैं, दिखाऊँगा वहाँ तक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बोटिंग के लिए जो लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जितने भी फोर व्हीलर में हमारा पूरा जो है राफ्टिंग से यहाँ पर भरा हुआ है, और ये जानकी सेतु हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जानकी सेतु का ये नज़ारा है, ये जानकी सेतु है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है यहाँ भी गाड़ी टू व्हीलर के लिए रहता है, और साइड में भी टू व्हीलर का, और बीच का जो रहता है रास्ता ये रहता है आम लोगों को जाने के लिए। तो सामने ये जानकी सेतु देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा पुल है यहाँ पे। तो काफ़ी प्यारा जो सुंदर मौसम के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अभी मैं जानकी सेतु में, बीच जो यहाँ पे सेंटर पे है। सामने आपको मैं बजरंग बली जी की जो है प्यारी सी जो है फ़ोटो दिखाऊंगा वहाँ से। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जो है आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सेंटर का जो रास्ता रहता है ये लोगों के लिए रहता है, आम लोगों के लिए, और सामने अगल बगल जो है टू व्हीलर के लिए रहते हैं यहाँ पे। और मौसम की मैं बात करूँ, काफ़ी प्यारा जो मौसम है, ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे चल रही है इस तरह से। और आज जो है इस टाइम इतनी भीड़ नहीं रही, लेकिन वीकेंड में जो है, वीकेंड की बात करूँ मैं, जो संडे में है, तो उस तरह से जो है वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। इसीलिए हम ऋषिकेश को योगनगरी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। सामने आप देख सकते हैं जानकी सेतु का ये दूसरी तरफ का ये नज़ारा है यहाँ पे, और सामने मैं आपको ये हनुमान जी की मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाता हूँ। काफ़ी प्यारी जो है पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है, जब से हमारा ये अभी G20 सम्मेलन हुआ था यहाँ नरेंद्र नगर में, तो तब से जो है यहाँ पे चेंजेस काफ़ी हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जो है जानकी सेतु के पास ही आपका इस तरह से परमार्थ निकेतन आता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप रात का जो शाम के टाइम पे जो नज़ारा रहता है काफ़ी प्यारा यहाँ पे रहता है, भीड़ भाड़ जो है इस तरह से रहती है, और काफ़ी सुंदर जो है दृश्य यहाँ पे रहता है शाम को। तो सामने आप देख सकते हैं पूरा ये है जो हमारा परमार्थ निकेतन के लिए रास्ता है, सामने देख सकते हैं आप लोग। और परमार्थ निकेतन से ही आप सामने जो है जानकी सेतु का ये प्यारा सा दृश्य आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा जो है दृश्य ये रहता है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ माँ गंगा की पावन धरा को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पूरा जो है दृश्य काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। सामने आप पहाड़ों के भी यहाँ पे नज़ारे देख सकते हैं, मौसम जो है हल्की धूप है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, अभी जो हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन की तरफ, और ये समुद्र मंथन की जो है काफ़ी प्यारी ये पेंटिंग भी यहाँ पर बनाई हुई है, और ये चारों तरफ का जो है नज़ारा है यहाँ परमार्थ निकेतन का। तो इस तरह से दोस्तों आप मौसम के साथ साथ यहाँ पे माँ गंगा की ये पावन धरा को भी यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से माँ गंगा का ये पावन जल जो है, इस टाइम पहाड़ों पे हमारी काफ़ी बर्फबारी हो रही है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे गंगा का जल जो है काफ़ी जो है स्वच्छ है यहाँ पे बिल्कुल एकदम। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी यहाँ पे हवा चल रही है, हवा के साथ साथ आप देख सकते हैं ऊपर जो आसमान में यहाँ पे प्लेन भी है इस टाइम उड़ रहा है, अभी जब हम यहाँ ऋषिकेश में पहुँचे हैं यहाँ पे। और ये पूरा दृश्य यहाँ पे ऋषिकेश का काफ़ी प्यारा यहाँ पे रहता है।
यहीं पे आपको जो है परमार निकेतन के पास इस तरह से ये गीता भवन मिलेगा यहाँ पे, और इसके चारों तरफ का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परमार निकेतन के पास ही जो गली रहती है यहाँ पे, ये पूरा परमार निकेतन का आश्रम है यहाँ पे। पहुँचो यहाँ पे परमार निकेतन, काफ़ी जो है प्यारा ये आश्रम है यहाँ पे, और उस तरह से भीड़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल रहते हैं हर जगह आपको इसी तरह से जो है भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। भी आप परमार निकेतन आओ तो इस तरह से हमें जूता स्टॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जूता स्टॉल, यहाँ पे जूते रख सकते हैं। भीड़ जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ रहती है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप आरती से एक घंटे पहले यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको तसल्ली से जो है यहाँ पे शाम की जो आरती देखनी है, क्योंकि भीड़ जो है पूरी यहाँ तक, पूरी ऊपर तक भीड़ रहती है इस तरह से। सामने आप इस टाइम जो है मॉर्निंग का ये टाइम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही दूर दूर से दर्शक हमारे आते हैं। सामने आप बजरंगबली जी को भी देख सकते हैं यहाँ पे, और सामने हमारे महादेव की ये प्यारी सी प्रतिमा है यहाँ। तो ये मैं दिखा दूँ, काफ़ी भीड़ जो है वहाँ पे भी रहती है शाम के टाइम पे, पूरे दर्शकों से वहाँ पे भरा हुआ रहता है जहाँ पे हमारे महादेव जी की ये मूर्ति है प्यारी सी। ऋषिकेश के काफ़ी प्यारी ताज़ा जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको बताई है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आगे भी आपको हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देता रहूँगा। इस तरह से ऐसे आप लोग देख सकते हैं जो है पूरा यहाँ पे शाम के टाइम के जो आरती से पूरा यहाँ पे भरा हुआ रहता है। लास्ट टाइम मैंने आरती की वीडियो भी बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप पूरी वीडियो जो है देख सकते हैं मेरी। ये पूरा जो है यहाँ पर भरा हुआ रहता है, यहाँ पर पूरी ये गैलरी आप देख सकते हैं। यहाँ से शाम के टाइम जो है यहाँ पर छत पर भी जो है पूरी भीड़ रहती है यहाँ पर इस तरह से। और माँ गंगा के पावन तट पर ये योग नगरी ऋषिकेश में गंगा आरती के टाइम पे भीड़ का होना तो नॉर्मल है। सामने आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन भी मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बजरंगबली जी हमारे यहाँ पे, और काफ़ी जो है दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और हर जगह आपको इसी तरह से हमारे महादेव जी के दर्शन होंगे, चाहे वो ऋषिकेश की बात करूँ मैं, चाहे वो हरिद्वार की करूँ, और ये हमारा जानकी सेतु वापस घर की तरफ लौटते हुए हम लोग। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।